हेलो दोस्तों, डाउटनेट पर आपका स्वागत है। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ अपने बायोलॉजी के भी डाउट को क्लियर कर पाओगे, वो भी डाउटनेट के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है, इस डाउटनेट नामक ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आपको इस डाउट वाले ऑप्शन पर, डाउट वाले फंक्शन पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो उसकी आपको फोटो खींचना है। जैसे ही आप फोटो खींचेंगे तो इसके बाद आपको वही क्वेश्चन क्रॉप कर देना है। ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन नंबर तक नहीं आना चाहिए, ओनली क्वेश्चन आपको क्रॉप करना है ऐसे। इसके बाद इस फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करते हो तो आपका जो वीडियो सोल्यूशन है वो कुछ ही सेकंडों में आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका तो है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भौतिक विज्ञान का, मेरे यहाँ जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे कैसा पेपर आया था। तो देखिए, पूरा पेपर मैं लास्ट तक दिखाऊंगा एक एक, और बताऊंगा कि जो जो मैंने पढ़ाया क्या वही एग्ज़ाम पर आया था। तो इस पेपर से आपको प्रूफ पता चल जाएगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया था वही आया था। परंतु देखिए, यहाँ पर 7 सेट बनते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 346XW, ये इस प्रकार से यहाँ पर 347 आपका हो सकता है या 358 हो सकता है। इस प्रकार से जो यूपी है, आपका यूपी बोर्ड है, वहाँ पे ओनली 7 सेट बनते हैं। अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, आरएससी बोर्ड से हैं, तो उसके लिए अलग सेट बनते हैं। इसलिए ये कोई कंफर्म नहीं होता कि किसके एग्जाम पर क्या ना आ जाए, क्योंकि देखिए, किसी के एग्जाम पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं तो किसी के एग्जाम पर डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं। तो पूरा पेपर एक एक दिखाऊंगा और एक एक बताऊंगा। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है हम बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक के साथ साथ प्रूफ भी देते हैं। तो दोस्तों, हमारे सेकेंड चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पेपर। तो देखिए, यहाँ पे पेपर में लिखा गया है सभी खंड का क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है करना। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही चुके होंगे अपने पेपर में। मैं सीधे से अंदर दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से दिया गया है समान पदार्थ के दो घनों के, ये पहला ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आप, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप चले जाइए और देख लीजिए। ऐसे ही न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, जो कि आप संख्या बदली हैं, परंतु ऐसे ही न्यूमेरिकल मैं आपको करवाया था। आप मेरी प्लेलिस्ट अभी भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी सिस्टम डाल दिया जाता है वो गवाह बना रहता है। इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो होता है आपका, इसमें आपको 5 क्वेश्चन। अगर आप 2021 की प्रिपेयरिंग करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2021 में कैसा पेपर आना है और किस प्रकार से आपको 90+ लाना है। 2020 में बहुत सारे बच्चे 90+ लाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ करके। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 5 खंड दिए होते हैं। देखिए, 4 नंबर में भी दिया हुआ है गेट से, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पीएन संधि है। तो जैसे मैं इसको आपको बताऊं कि कौन सा पीएन संधि है, तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि इस प्रकार का जो आपका संधि होती है वह होती है, और इसमें क्या होता है, पीएन यानी कि पी जो एन पार्ट होता है ये होता है, और ये एन पार्ट जो होता है हमेशा निगेटिव। जब पीएन संधि डायोड होता है तो पी को हमेशा प्लस से रखा जाता है, तो यानी कि जब ये वाला जो सिरा है इधर पॉजिटिव होना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर ये वाला जो सिरा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो प्लस वाला हमें देखना है, तो यहाँ पे हमें प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, तो यहाँ पे ये माइनस और ये वाला प्लस है, तो ये जैसे कि सही हो जाएगा। क्योंकि मैं डिटेलिंग वीडियो अगर चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जल्दी जल्दी से मैं आपको पेपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले अगर हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, यहाँ पे वही ऑप्शन यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या रहता है, एक एक अंक के क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर भी आप गौर कर लीजिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन आता है उस पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दो दो अंक के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल दिए गए हैं ज़्यादातर। देखिए यहाँ पर नॉर गेट और एंड गेट, इसकी तो मैंने बिल्कुल, ये नॉर गेट, ये गेट तो मैं पूरी तरह से कम्प्लीट पढ़ा चुका हूँ आपको। ये जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं इनकी भी आप ऑप्टिक्स वाला प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये सारे के सारे चैप्टर वाइज जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैं सारे करवा चुका हूँ,
आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, जिसे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो करवाया है वो नहीं आया। देखिए यहाँ पे लिखा है एक स्लिट प्राप्त करने के लिए कौन से सूत्र, ये जो मैंने डेरिवेशन करवाया था इसे भी आप जाकर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में चेक कर सकते हैं। इसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, अगर आप नहीं आपको यकीन नहीं है तो सीधे आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बाई सक्सेस नॉलेज। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी इन्हें करवाया था, वहाँ पे भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला क्वेश्चन रहता है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको तीन तीन अंक के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम आप बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में भी हमें तीन तीन अंक के क्वेश्चन, देखिए गॉस की प्रमेय मैंने करवाया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित करके कार्य कर लगने वाला एफ बराबर, ये भी मैंने करवाया था। इसके बाद दो समान का ये जो दिया गया है इसे मैंने करवाया था, अनंत लंबाई खींचकर तीन गुनी कर दी जाए, इसे भी मैंने करवाया था। विभव मापी, ये आप जाकर देख सकते हैं, विभव मापी की तो अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ज्योतिष दूरदर्शी का नामांकित चित्र मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था। तो आप अगर मेरी प्रत्येक वीडियो वॉच करते रहें, देखिए पीएन सन दीपों तरंग दृष्टि आदि के रूप में ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपके एग्जाम पर फंस गया, तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर है, जो कि क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपके पढ़ाया पढ़ाया आया। देखिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन दिया गया एल सी आर पंचपथ वाला, और एल सी आर पंचपथ मैंने आपको पूरी तरह से एल सी आर परिपथ, एल सी परिपथ, जितने भी परिपथ थे इन्हें मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया था, सेक्शन ई है, और इस पर आपको पांच अंक का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर अथवा में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अन्योन प्रेरणा, बहुत अच्छे से मैंने कहा था कि या तो अन्योन प्रेरणा या स्वप्रेरणा गुणांक आएगा या फिर एक न्यूमेरिकल आएगा, परंतु अगर न्यूमेरिकल और डेफिनेशन दोनों आती है तो वह पांच अंक की आएगी, यही यहां पर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने बताया था तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरा का पूरा वही फंसा, देख सकते हैं एक उत्तर गोली पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र, ये जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आप यूट्यूब पर ओनली सर्च कर लीजिए बाई सक्सेस नॉलेज। मैं कहा था कि 2020 में ये फंसेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये मैंने जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन करवाया था इससे रिलेटेड जो ये न्यूमेरिकल दिया गया है वो करवाया था, तब मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस किस पर डिपेंड करती है, ए साइलेंट नॉट अपॉन डी, उसी फार्मूले से मैंने क्लियर कर दिया था कि किस किस पर डिपेंड करती है, और आप भी समझ चुके थे। तो यहाँ पर चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा दिया गया है, कूलाम का बल नियम क्या है, जो कि मैंने आपको करवाया था, आप आज भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसे भी करवाया है, जिसे ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो नहीं फंसा तो आज भी वो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। वहां पर मैंने देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखी है, इसे भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु के लिए सूत्र, इसे भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया गया था। आपने शायद अगर मेरे एक एक वीडियो को वॉच किया होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से मैंने पढ़ाया, और सारा का सारा मैटर पूरा वही आया जो कि मैंने पढ़ाया। देखिए क्वेश्चन यहाँ तक दिया गया है क्योंकि ये पांच अंक का क्वेश्चन है, पांच अंक का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है। और अच्छा, तो ये था आपका जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए यहाँ पे ये है आपका भौतिक विज्ञान का 346 WX XW, तो इसे आप देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।